गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में 9.2। 9.2 के सवाल करने से पहले अपन करते हैं एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड। एग्जांपल फर्स्ट, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपने को एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, एडजेसेंट एंगल ये वाले जिनकी एक साइड्स कॉमन होती है, ठीक है। तो अपन ले लें जैसे कि एंगल ए बी सी डी, ये है पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम? इसके जो दो एडजेसेंट एंगल अपने को रेशियो में दे रखे हैं 1:2, ठीक है। तो अपन क्या ले लेते हैं, इसको 1x और इसको 2x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सपोज द ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मेजर ए बी आर इन रेशियो 1:2, ठीक है। तो लेट क्या, एंगल ए इक्वल एक्स से ले लिया अपन ने और एंगल बी इक्वल 2x से ले लिया, ठीक है। नाउ ए डी पैरेलल बी सी, ये जो ए डी है ये किसके पैरेलल है, बी सी के हैं, और डी सी पैरेलल ए बी है, दोनों पैरेलल रहते हैं, तो ठीक है। ए बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ऑन वन साइड ऑफ पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। ये पैरेलल है, ये वन है, तो इसके जो इंटीरियर एंगल हुए, ये दोनों क्या हुए, इंटीरियर एंगल, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अपना ये क्या है, एक्स है और ये 2x है, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू एक्स, और एंगल टू की जगह, ये सॉरी एंगल बी की जगह उसकी वैल्यू 2x, ठीक है ना। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो रख दिया अपन ने, तो ये 180 डिग्री। अब अपना कितना हो गया, एक्स प्लस 2x, एक एक्स और दो एक्स अपना हो जाता है 3x, है ना। 1 और 2 3x हो गया, 3x इक्वल 180 डिग्री। 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जो जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 180 को कट करेंगे अपन, 3 6 18 और 0 0 0, यानी कि एक्स इक्वल 60 डिग्री। तो अपना एंगल ए इक्वल एक्स था तो 60 डिग्री, और इसका अपोजिट एंगल जो होता है एंगल सी, वह भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल सी इक्वल भी 60 डिग्री। एंड एंगल जो बी है वो अपना कितना है, 2x है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 60 2 ज़ा 120 डिग्री, ठीक। तो एंगल बी इक्वल 120 डिग्री, और इसका ये अपोजिट एंगल है डी, तो डी भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, आ गया समझ में। तो अपन ने चारों जो एंगल थे, एंगल ए की 60, एंगल बी की 120, एंगल सी की 60 और एंगल डी की 120 अपन ने निकाल चुके, ठीक है। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो बनते हैं द रेशियो ऑफ साइड पैरेललोग्राम 3:5 एंड पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। फर्स्ट वाले एग्जांपल में अपन ने देखा एंगल्स निकालने वाला, और सेकंड एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि कैसे अपना साइड्स फाइंड करते हैं, कैसे साइड निकालते हैं, ठीक है। तो अपने को रेशियो में दिए साइड, अपन क्या कर लेते हैं, इनको अपने को निकालना एक्चुअल में वो कितने सेंटीमीटर की साइड से, ठीक। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम विथ ए बी 3x एंड बी सी 5x। अपने को रेशियो में दिया तो अपन किस में ले लेंगे, एक्स में उसको ले लेंगे। 3 रेशियो था तो 3x, और 5 रेशियो था तो 5x। अपना पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी अपने 3x रख दिया और बी सी अपन ने 5x रख दिया, ठीक है। तो अपना ये जो हो जाएगा, ए बी और डी सी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपनी जो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहती है, ठीक है। और बी सी इक्वल ए डी 5x का, ठीक है, अपने रख दिया। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का अपने को पेरीमीटर निकालना है। तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, सभी को सम कर दो, क्या कर दो, मतलब उनको प्लस कर दो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल 48 सेंटीमीटर। अब इनमें जो अपने को वैल्यू दे रखी है
वो इसमें पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू क्या दी है अपने को, 3x दी है तो 3x रख देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 5x दी है तो 5x रख देंगे। सी डी की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ये डी सी या सी डी बराबर 3x है तो 3x रख दिया। और डी ए डी की वैल्यू अपने पास में क्या है, 5x है तो 5x रख दिया, बराबर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 5 3 8 5 को प्लस करेंगे अपन तो 3 5 8 8 3 11 11 5 16x आ गया। कितना आ गया, 16x आ गया। 16x इक्वल 48 है अपने पास में, 16 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस तरह चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 48 अपॉन 16, 16 से 48 को काटा, 16 1 16 और 16 3 48, तो x इक्वल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया अपना। ठीक है, हेंस अब अपना ए बी इक्वल सी डी था, यहाँ पे ए बी इक्वल सी डी या डी सी बराबर 3x, क्या दे रखा था अपने को, 3x। x की वैल्यू अपने पास में आ गई 3, 3 पुट कर देते हैं, 3 3 9, तो दोनों साइड्स कितने की आ गए, 9 सेंटीमीटर के। और बी सी और डी ए अपना कितने का, 5x का था तो 5 मल्टीप्लाई 3 तो 5 3 15 आ चुका है। ठीक है, तो सारे साइड्स अपने आ चुके। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम 2x 2+ रेशियो 3 है, सॉरी क्या है, 2:3, एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सेम जो एग्जांपल सेकंड किया वैसा का वैसे ही अपन क्या ले लेंगे, वैसे ए बी सी डी पैरेललोग्राम ले लेंगे, उसकी एक की 2x ले लेंगे और एक की 3x लेकर के सॉल्व को अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 150, वन ऑफ इट्स साइड ग्रेटर देन अदर 33 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जो अदर साइड से उनके अपने को फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, तो ये अपन करेंगे। तो इसका आंसर अपन देखते हैं सोल्व। जैसे कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है, सपोज ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम विथ ए डी, एक्स और ए बी, ये जो अपना ए डी था अपन क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, और ये ग्रेटर देन 33, इससे अपनी ग्रेटर दूसरी साइड क्या है, 33 है, तो अपना एक्स प्लस 33 ले लेते हैं, तो अपना ये आ जाएगा एक एक्स और एक एक्स प्लस 33, इससे ग्रेटर देन 33 था तो अपन ने एक्स प्लस 33 ले लिया। सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है, तो अपना जो अपोजिट साइड्स, ये ए डी की अपोजिट साइड्स क्या, बी सी, तो इक्वल एक्स, एंड ए बी इक्वल डी सी, ये भी अपोजिट साइड्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 33। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज गिवन बाय, अपने को दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये क्या रहता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों साइड्स का सम जो होता है अपना पेरीमीटर होता है, इक्वल 150 अपने को दिया हुआ। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू क्या अपने पास में, एक्स प्लस 33 है, और बी सी की वैल्यू क्या अपने पास में, एक्स है, और फिर सी डी की वैल्यू अपने पास में एक्स प्लस 33 और डी ए की वैल्यू है एक्स, इन सभी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक्स 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 और एक्स, 4x हो गया अपना, 33 को 33 से प्लस किया तो 66 हो गया, ये 66 इधर प्लस में था तो इधर माइनस में जाएगा, तो अपना 150 माइनस 66 तो हो जाएगा 84। जैसे इधर अगर जो नहीं आता हो तो यहाँ से अपन 150 को से 66 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, साइड में जैसे कि ये 10 माइनस 6 तो आ जाएगा 4, और यहाँ रह गया 4, इधर से कैरी लिया अपन ने, 14 माइनस 6 तो 84 आ गया। कितना आ गया, 84, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर इसमें चला जाएगा डिवाइड में, 4 2 8, 4 1 4, तो x इक्वल आ गया अपना 21 आ गया। ठीक है, अब अपना क्या दिया था, ए बी इक्वल डी सी इक्वल एक्स प्लस 33 दिया था, तो x अपना कितना आ गया, 21 प्लस 33 तो 54, तो इसकी क्या आ गई अपनी वैल्यू, 54 आ गई, 54 सेंटीमीटर। ए डी प्लस ए डी बराबर बी सी इक्वल एक्स है अपना, ठीक है, दोनों इक्वल में अपना एक्स है तो बराबर इन दोनों का कितना जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो अपन कुछ भी, जैसे कि ए बी कितने का हो गया अपना, 54 का, बी सी भी 54 का, ए बी 21 का, बी सी भी 21 का।
ठीक है, तो आगे के जितने भी सॉल्व है आपको खुद करने हैं और समझने। बाय।